हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है वापस एक बार इस नए नए चमचमाते एपिसोड पे, इस नए नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर। देखो, मैंने फंबल मार दिया, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के ऊपर। लाइक रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हो रही है, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हो रही है। एंड लाइक इट्स बीन अबाउट लाइक अ वीक आई फील कि मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया यूट्यूब चैनल पे। लाइक आई एम वर्किंग, आई एम एडिटिंग अ वेरी वेरी बिग एपिसोड। लाइक ये 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो हमने एक हमारे अपकमिंग गेस्ट जो आपको रिसेंटली अभी नेक्स्ट एपिसोड जो यूट्यूब पे आएगा उस पर दिखेगी। तो लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आज के इस पॉडकास्ट के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद लाइक आई एम कमिंग बैक लाइक टू दिस हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग, टू दिस हैबिट ऑफ लाइक जस्ट स्पीकिंग विथ मोर इंटरेस्टिंग पीपल। बट लाइक बैक एंड में मैं वही कर रहा था, लाइक आई जस्ट द थिंग इज लाइक आई वॉजेंट रिकॉर्डिंग। तो लाइक रिसेंटली जस्ट लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी ऑडियंस, मेरा कॉलेज शुरू हो गया फाइनली। आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू लाइक माई जूनियर कॉलेज फॉर 11th एंड 12th आर्ट्स। और कॉलेज बहुत ज़्यादा सही है, मेरे कुछ दो तीन फ्रेंड्स बने, और उसमें से ही आज एक इंटरेस्टिंग फ्रेंड सानिका शिरवाड़कर हमारे साथ बात करने वाली है, हमारे साथ एक कॉन्वर्सेशन रचने वाली है। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक आज की सानिका, तुझे कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आके? हाय हेलो, आई एम सानिका शेजवलकर। लाइक मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। मैं वेट कर रही थी ऐसा कि मैं कब बोल सकूंगी, लाइक यू नो शेयर कर सकूंगी मेरे प्रस्पेक्टिव्स कुछ पॉइंट पे जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। लाइक हम लोग ऑलरेडी मिले थे कॉलेज में एंड हम लोग ने जब ऐसा बात किया थोड़े टाइम बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग का ओवरऑल ऐसा मूवीज का टेस्ट एकदम मैच करता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे एंड मुझे वही लगा कि मे बी इसके पॉडकास्ट पे आके मैं मेरे लाइक मेरे जो ओपिनियंस है वो शेयर कर सकूंगी, या यू नो लाइक मेरे ओपिनियंस ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे ऐसा लगा मुझे, इसलिए अच्छा लग रहा है। वेन वी वेर टॉकिंग आई जस्ट नोटिस कि लाइक यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक विथ, लाइक यू हैव वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड लाइक जस्ट लाइक यू सेड कि वो जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा बोल्डली तुझे कहीं प्रेजेंट नहीं करने को हुआ है अब तक, वो क्या बोलते हैं, वो संधि नहीं मिली है। एंड लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सो लाइक ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्शियस एंड एट द सेम टाइम लाइक जस्ट क्या बोलते हैं, लाइक इंटरेस्टेड कि ये कॉन्वर्सेशन कैसी जाएगी। एंड लाइक ये पॉइंट कि लाइक वी मेट वेरी वेरी रिसेंटली, इट्स कि लाइक आर फ्रेंडशिप इट्स फेयरली न्यू कंपेयर टू लाइक दी अदर गेस्ट दैट आई हैव हैड। लाइक देर इज ओनली वन गेस्ट विच आई डिडंट रियली नो, लाइक दैट वॉज आदित्य सुहाग वाला पॉडकास्ट। लाइक आई डिडंट रियली नो आदित्य बिफोर द पॉडकास्ट एंड लाइक इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक नोइंग हिम ऑन लाइक वाइल वी वेर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट। सो लाइक फॉर यू इट्स बीन लाइक कि आई नो यू फ्रॉम लाइक नाउ अ वीक और टू, लाइक एंड लाइक वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट लाइक इन कॉलेज देन लाइक बाहर वगैरह। एंड लाइक रिसेंटली वी यस्टरडे ओनली वी सॉ लाइक मूवी, लाइक आज की डेट है 24th of September 2022 और हमने कल ब्रह्मास्त्र देखी थी। तो लाइक उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की थी लाइक बिफोर गोइंग टू द मूवी। तो लाइक वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। एंड लाइक आई जस्ट लाइक कि तू ऑडियंस को एक बार खुद का इंट्रोडक्शन देते, लाइक ये ऐसे फेयरली न्यू गेस्ट के लिए ये एक चीज़ है जो आई लाइक टू स्टार्ट, लाइक दिस इज़ अ न्यू ट्रेडिशन लाइक यू विल बी स्टार्टिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। सो इंट्रोडक्शन मतलब लाइक व्हाट आई लाइक व्हाट आई डोंट वैसा टाइप्स। सो बेसिकली मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है आगे जाके, लाइक अभी तक तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है। एंड ऑल्सो मुझे ओवरऑल ट्रैकिंग हर्पिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दैट्स द रीज़न वाई मुझे लाइक सिनेमाटोग्राफी में प्रेफर कर रही हूँ टू कीप इन टच, ऐसा कि कुछ तो एटलीस्ट कर सकूँ उसमें। फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट वो मैं किसी तरह ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा पाऊँगी, ऐसा
दैट्स ऑल आई हैव. व्हाई डू यू वांट टू परस्यू सिनेमाटोग्राफी एज लाइक अ प्रोफेशन? क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा टीनेजर्स एंड बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन को उतना ज़्यादा थॉट नहीं देते. लाइक सिनेमाटोग्राफी इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू गो टू लाइक आर्ट स्कूल और अ परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल टू बी मोर स्पेसिफिक. लाइक यू नीड टू लर्न लाइक ड्रामा स्कूल्स में जाके लाइक और जो भी कोर्सेज रहता है यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज. तो लाइक व्हाई डू यू वांट टू परस्यू सिनेमाटोग्राफी व्हिच इज़ लाइक अ फेयरली अनटच्ड प्रोफेशन इन इंडिया आई फील. तो एज आई सेड अर्लियर, मुझे फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड उससे ही रिलेटेड कुछ करना था. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रस्पेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा इज अ लैंग्वेज कि जिससे आप जो मूवी देख रहा है वो उसको आप इमोशंस फील करा सकते हो. ऑब्वियसली बाकी सब मैटर करता है फिल्म के अंदर, जो कुछ है वॉट एवर जो स्टोरी है सब कुछ मैटर करता ही है. बट वो सब कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, फिर भी जो देखने वाला है उसको वो जो कैरेक्टर है उसके प्रस्पेक्टिव से फील होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है इसका वो क्या इमोशंस फील कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें कुछ ऐसा अटैक हो रहा है कुछ कैरेक्टर्स पे ऐसा, तो आप जब मूवी देख रहे हो और अगर वो आप वो मूवी देखोगे उसके प्रस्पेक्टिव से जिस पे अटैक हो रहा है, तो आपको वो इमोशंस फील होने चाहिए कि वो किस फेज से जा रहा है. एंड आई थिंक कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओवरऑल ये सब ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए. तो लाइक यू आर टेलिंग अस कि सिनेमाटोग्राफी इन अ वे इज़ अ कनेक्टिंग ब्रिज टू दी फ्रॉम दी डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव और दी सिनेमाटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव टू दी लाइक ऑडियंस. लाइक इट्स अ कनेक्शन दैट यू बिल्ड. ऑल्सो लाइक कीपिंग दी टेक्निकल साइड्स और जो भी बैक एंड चीज़ें चलती है लाइक जस्ट दी सिनेमाटोग्राफी ऑफ मूवी यू आर टेलिंग कि इट मैटर्स अलॉट एंड लाइक वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है इन परस्पेक्टिव एंड परसेप्शन ऑफ द ऑडियंस आफ्टर लाइक लेट्स से लाइक एक कोई मूवी देखते हो. लाइक इमोशंस फील होने चाहिए वो, जो एग्जैक्टली वही इमोशंस जो वो कैरेक्टर फील कर रहा है मूवी के अंदर. तो तेरे इंस्पिरेशंस कौन है फॉर सिनेमाटोग्राफी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बेसिक्स ऑफ एनी फिल्म? लाइक हु आर योर इंस्पिरेशंस? ऐसा पर्सन, ऐसा सिनेमाटोग्राफर ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं जो जिसको मैं फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा. बिकॉज मैंने आज तक बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखे हैं और उसमें से रेयरली कुछ मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी मुझे जेन्युइनली पसंद आई है. तो ऐसा कुछ एक ही पर्सन नहीं है जिसको मैं फॉलो करती हूँ या जिस उसका ही काम मुझे अच्छा लगता है. बट ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो मुझे ऐसे टाइप के मूवीज़ या शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं मूवी के, कि जिसमें आपको कैरेक्टर के साइड साइड के इमोशंस एज वेल एज जो मेन कैरेक्टर है उसके साइड के इमोशंस और वो ओवरऑल जो हो रहा है, ओवरऑल मूवी का जो प्लॉट है उससे आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपके लाइफ से वो रिलेट कर पा रहे हो, या यू कैन फील द इमोशंस, रियली फील द इमोशंस, चाहे वो कैसे भी टाइप के हो, हैप्पी, सैड, एंग्री, कैसे भी आपको फील होना चाहिए कि द डायरेक्टर और द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और वो आप तक पहुंचना चाहिए, वही मैटर करता है ज़्यादा. एंड वैसे ही टाइप के मूवीज मुझे अच्छे लगते हैं, या मूवीज के कुछ कुछ सीन्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन में बर्फी देखी थी मूवी, और उसमें एक सीन है जिधर आई डोंट नो, अभी बर्फी जिसने देखी नहीं होगी उसको शायद समझेगा नहीं, बट एक ऐसा सीन है जिसमें बर्फी जो मेन कैरेक्टर है उसका वो सो रहा होता है एंड उसके पापा की डेथ होती है, उनको आई गेस हार्ट अटैक आ रहा होता है या कुछ, तो और वो ट्राई करते हैं उसे उठाने का
बट वो कैरेक्टर लाइक डेफ है और समथिंग ऐसा, और तो लाइक उसको सुनाई नहीं देता और ऐसा कुछ, तो इसलिए उनकी डेथ हो जाती है एंड उसको पता भी नहीं चलता. लाइक जब वो उठता है नेक्स्ट दिन तब उसको पता चलता है. वो सीन इतना इमोशनल कि आपको ऐसा मन करता है कि जाके आप उधर जाके उसको उठाओ, कि लाइक यू नो आप फील कर सकते हो कि आप अभी हो वो स्पॉट पे और आपको लाइक आप इन्वॉल्व हो जाते हो. लाइक इन शॉर्ट वही बोलना है मुझे. जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर की फीलिंग्स है वो आप फील कर पाते हो और ट्राइंग टू कन्वे अस। एग्जैक्टली इनफैक्ट आपको फील होता है कि आप भी उस लाइक वो कैरेक्टर के जर्नी का पार्ट हो. टेक्निकली आई एम नॉट अ वेरी एक्सपोनेंशियल फिल्म क्रिटिक, बट लाइक फ्रॉम लॉकडाउन आई फील आई हैव स्टार्टेड टू वॉच अ वेरीड इंटरेस्ट एंड वेरीड सब्जेक्ट्स ऑफ लाइक सिनेमा। आई कैन से लाइक लेट इट बी लाइक ओल्ड बॉलीवुड आर्ट फिल्म्स लाइक अमोल पालेकर के जो मूवीज थी, या फिर जो विद्यु विनोद चोपड़ा की पुरानी मूवीज है, या फिर लाइक फॉर दैट मैटर न्यू हॉलीवुड मूवीज लाइक मार्वल। एक है लाइक मार्वल की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। लाइक इट्स नॉट जस्ट सस्पेंस दे कैन क्रिएट कॉमेडी एज वेल एज लाइक जो भी क्या बोलते हैं टेक्निकल साइड है उसकी बहुत ज़्यादा मास्टर कर दिया हॉलीवुड ने कंपैरेटिवली टू बॉलीवुड। लाइक बॉलीवुड पीछे नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि द क्वालिटी ऑफ मूवीज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग नाउअडेज इन बॉलीवुड इट्स मच मोर लाइक डाउनग्रेडेड अ बिट आई फील। लाइक जो 60s की स्टोरीज थी लाइक आवारा, देन लाइक मेरा नाम जोकर, देन लाइक 70s में जब हम लोग आए जैसे शोले, देन सिलसिला जो अमिताभ बच्चन वाली मूवी थी, देन लाइक जो आर्ट फिल्म्स बन रही थी जैसे कि लाइक जाने भी दो यारो, या फिर विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, देन लाइक जो ये क्या बोलते स्टोरी टेलिंग की मेथड्स थी पहले दे वेर मच मोर इन्वॉल्विंग फॉर दी लाइक यूजुअल फिल्म क्रिटिक। लाइक एज अ फिल्म क्रिटिक तुमने इतनी ज़्यादा मूवीज देखी रहती कि लाइक यू कैन पिक आउट द स्मॉलेस्ट ऑफ रेफरेंसेज और द स्मॉलेस्ट ऑफ जेस्चर्स, द स्मॉलेस्ट ऑफ चेंजेस इन लाइट, चेंजेस इन एक्टर्स टोन, इन द चेंजेस इन कैमरा एंगल्स। यू कैन जस्ट पिक आउट अ लॉट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स जो एक जनरल ऑडियंस नहीं पिक आउट कर पाती, क्योंकि लाइक जनरल ऑडियंस के लिए मूवी इज अ जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, नथिंग मोर। लाइक दे जस्ट गो लाइक टाइम पास करो, लाइक एक अच्छी मूवी देखो, अच्छी स्टोरी देखो, अच्छा फील करो, घर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। लाइक दैट्स देयर परसेप्शन जो लाइक 80% ऑडियंस है, बट दी 20% आई फील जो फिल्म क्रिटिक्स है लाइक जेन्यूनली जो क्या बोलते हैं मूवी की छोटी से छोटी बात को नोटिस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीट रहती है टू जस्ट सी गुड सिनेमाटोग्राफी इन अ मूवी। लाइक मेरे जो एग्जाम्पल्स है आई एल जस्ट लाइक टू लाइक ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया, बट लाइक आई एल जस्ट लाइक टू रेकमेंड फिल्म टू द ऑडियंस एज वेल एज टू यू सानिका। लाइक यू कैन श्योरली लाइक गो एंड चेक आउट विदो विनोद चोपड़ा की जो पुरानी मूवीज है लाइक खामोश, द मूवीज दैट ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ, लाइक खामोश, देन परिंदा, देन लाइक जाने भी दो यारो, उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी टेक्निकली, बट लाइक इट्स ऑल्सो आर्ट फिल्म। लाइक अमोल पालेकर की मूवीज, देन लाइक यू कैन गो एंड चेक आउट लाइक नई बॉलीवुड के इसमें तुम्बाड़ बुलबुल करके एक नेटफ्लिक्स पे आई थी रिसेंटली, मैंने वो बहुत रिसेंटली देखी, लाइक 3-4 दिन पहले ही देखी है ये रिकॉर्डिंग के मैंने वो मूवी। इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी। फिर लाइक ऐसी जो जेन्युइनली अच्छी मूवीज है वो भी हमें देखनी चाहिए विथ लाइक अ लिटिल बिट ऑफ कमर्शियल मासी मूवीज ऑल्सो। लाइक सो लाइक हाउ हैज़ योर सिनेमैटिक जर्नी बीन टिल नाउ? आई जस्ट लाइक टू लिसन कि तूने कौन कौन सी मूवीज देखी, क्योंकि लाइक हमने ऑफ दी रिकॉर्ड लाइक बिफोर दी रिकॉर्डिंग लाइक वी हैव टॉक फॉर लाइक नाउ 5-6 days, एंड लाइक यू टोल्ड मी मैंने ये मूवीज देखी, ये गाने सुने हैं, तो लाइक जस्ट टेल दी ऑडियंस ऑल्सो लाइक वॉट आर दी थिंग्स दैट यू वॉच्ड, वॉट आर दी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैट यू अक्यूमिलेटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे यू नो लाइक मैं इतने सारे मूवीज देख चुकी हूँ अभी तक, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे या मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद, लाइक जो बीच का पीरियड था, ब्रेक था इतना, तभी इतने मूवीज देखे कि अभी मुझे लाइक किसी के नाम तक याद नहीं इतना ये सब लाइक ये हो गया. बट फिर भी ओवरऑल ही मैं ऐसे मूवीज देखती हूँ जिनमें लाइक मुझे ऐसे मूवीज पसंद है जिनमें डेप्थ होती है कुछ, तो
फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया बर्फी टाइप्स मूवीज, तो जैसे तूने अभी मुझे मूवी सजेस्ट की थी रिसेंटली, लाइक कुछ दिन पहले, गॉडफादर, उसका मैंने लाइक जस्ट पार्ट वन, बट फिर भी उतना पार्ट देखा मैंने, एंड वो लाइक वो मूवी का जो ओवरऑल सीन्स है, लाइक जो शॉट्स है और कैमरा एंगल्स यू कैन से, वो लाइक इतने एक ही सीन को बहुत सारे एंगल से या बहुत सारे पर्सपेक्टिव से दिखाया है, उसकी वजह से वो फिल्म ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, लाइक एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि वो लाइक क्या चालू है ओवरऑल मूवी में, या यू नो कि आपको लाइक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो मूवी और सस्पेंस बिल्ड होता है थोड़ा थोड़ा. कैमरा एंगल सब बहुत ज़्यादा है, लाइक आई एम जस्ट लाइक मैंने गॉडफादर देखे हो के जस्ट ऑडियंस को बताने के लिए, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी है अभी लॉकडाउन के टाइम पे, लाइक मुझे क्योंकि मूवीज़ से इंस्पिरेशन भी मिलती है बहुत ज़्यादा, मूवीज़ से डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज पता चलते हैं, लाइक आई एम काइंड ऑफ जस्ट हंग्री फॉर अब्जॉर्बिंग मोर स्टोरीज फ्रॉम दी सोसाइटी, लाइक जो कहानियाँ है बींग लाइक अ वेरी वेरी जेनेरिक ह्यूमन बींग, लाइक मुझे कहानियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक आई एम स्टिल अ चाइल्ड कंपेरेटिवली, लाइक मुझे स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो लाइक इसीलिए मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, एंड लाइक जो गॉडफादर है इट्स लाइक मेड बाय फ्रांसिस फोर्ड कपोला, लाइक उन्हें तो पहले सैल्यूट करना चाहिए हमको, लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर, वेरी वेरी गुड, लाइक जस्ट हिज स्क्रीन राइटिंग, जो स्क्रीन प्ले लिखा है मूवी का, देन लाइक जिस दी डायरेक्शन और जो सिनेमाटोग्राफी उन्होंने सेट की है, लाइक एज लाइक दी कैप्टन ऑफ द शिप, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लाइक जो गॉडफादर इसके, और पहली बात तो लाइक तुम लोग बोल रहे होगे लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग पेड बाय एनी ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस फॉर सेइंग दिस, दिस इज जस्ट क्या बोलते हैं फिल्म लवर टू फिल्म लवर कॉन्वर्जेशन दैट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड हियर, तो लाइक कंटिन्यूइंग फ्रांसिस फोर्ड कपोला की लाइक जो उन्होंने ट्राई किया था इस मूवी के अंदर, इट वाज जस्ट यूजिंग डिफरेंट कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक्स, जो मूवी के छोटे से छोटे डिटेल्स है जैसे कि क्लोथ्स, फिर कैरेक्टर्स की जो स्क्रीन प्रेजेंस बोलते हैं, लाइक जस्ट दी वे कैरेक्टर्स मूव इंटरैक्ट विथ ईच अदर, उस डिटेल्स तक उन्होंने पूरे स्क्रीन प्ले को लिखा था, लाइक ऐसी फिंगर मूवमेंट्स रहेंगी, ऐसे लाइक वो कैरेक्टर विल लुक इन टू द आई ऑफ द अदर कैरेक्टर लाइक दिस, तो इसीलिए लाइक यू कैन एन्जॉय द फिल्म मोर बीइंग अ फिल्म क्रिटिक ऑल्सो, कि लाइक वाओ ही हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब, एंड लाइक ही हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस द मूवी विद द सेम स्पिरिट सेम वाइब, और लाइक गॉडफादर देखो जेन्युइनली, लाइक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द टॉपिक थोड़ा होता है ये रिकमेंडेशन वाला, बट इट्स ऑल जस्ट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, लाइक गॉडफादर इज वन ऑफ द मूवीज दैट यू शुड रियली गो एंड चेक आउट, लाइक नेटफ्लिक्स पे है ना सानिका, तूने भी नेटफ्लिक्स पे देखा था? नहीं, प्राइम पे है. ओके प्राइम या नेटफ्लिक्स या फिर जो भी ओटीटी पे तुमको मिलेगा, लाइक जाके जस्ट गो एंड चेक आउट गॉडफादर, लाइक वेरी वेरी नाइस मूवी। ऑल्सो अगर एक बॉलीवुड का लाइक रीसेंट एग्जांपल दूँ तो 83 अगर आपने देखी होगी किसी ने, तो लाइक एंडिंग तो सबको पता ही था कि क्या होने वाला है एंड में, बट स्टिल वो मूवी मुझे पर्सनली इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि एंड तक आपको लाइक आपको पता है क्या होने वाला है, फिर भी आपको वो मूवी में इंटरेस्ट आता है कि लाइक आपको और देखने का मन करता है कि अब आगे क्या होने वाला है. ऐसा लाइक हर एक छोटे छोटे सीन्स उन्होंने दिखाए हैं, ऑल्सो थोड़ी कॉमेडी ऐड की है उसमें, वो लाइक मुझे ज्यादा वैसे टाइप के मूवीज भी अच्छे लगते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है, फिर भी वो आपका इंटरेस्ट ऐसा लाइक यू नो आपका अटेंशन ये करती है. दे जस्ट ग्रैब योर अटेंशन, लाइक तुम्हें कॉज हाँ रे लाइक विथ ओटीटी आई हैव ऑब्जर्व कि अभी एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है फॉर द फिल्म मेकर्स कि उन्हें इतना एंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ता है कि लाइक तुम्हें वो मूवी पॉज करने का लाइक मूड ही ना हो, लाइक यू विल जस्ट क्रेव फॉर मोर आउट ऑफ दैट मूवी और दैट कॉन्टेंट, लाइक यू विल जस्ट बी लाइक कि पॉज नहीं करना, लाइक आई विल जस्ट वॉच द फुल मूवी देन यू विल लाइक जस्ट गो एंड अब्जॉर्व एंड लाइक अंडरस्टैंड जो भी तुमने देखा है, एंड लाइक जस्ट वो सिनेमा का एक्सपीरियंस इट्स गेटिंग मोर एंगेजिंग विथ गुड डायरेक्शन, गुड प्रोडक्शन ऑफ सिनेमा, लाइक आई फील ऑल्सो लाइक 83 इज कमिंग फ्रॉम लाइक वन ऑफ द मोस्ट मासी डायरेक्टर्स, लाइक कमर्शियल मूवीज बहुत ज़्यादा बनाते हो, कबीर खान
अगर जानते हैं तो, लाइक बजरंगी भाईजान, एकता टाइगर, सुल्तान जैसी मूवीज उन्होंने बनाई है, लाइक सारी मास मूवीज थी. एंड लाइक 83 वाज आल्सो टेक्निकली अ मास मूवी, बट लाइक इट्स जेन्युइनली अ गुड एफर्ट दैट ही मेड. और बाकी मूवीज भी उनकी जेन्युइनली, एकता टाइगर इज वन ऑफ दी फ्यू स्पाई मूवीज दैट आई जेन्युइनली लाइक. जो इट विल बी लिटिल ऑर्थोडॉक्स टू से, बट लाइक सलमान खान की बिफोर 2015 की मूवीज लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी थी. लाइक हिज करियर का, उनके जो 2000 से लेकर लाइक 2000-2005 से लेकर लाइक फ्रॉम पार्टनर टिल लाइक 2015 की केक भी वॉज ओके, केक जय हो वॉज ओके. लाइक इट वॉज वेरी वेरी नाइस सीइंग हिम इंडल्जिंग इन लाइक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. लाइक डू यू हैव एनी पर्सनल फेवरेट एक्टर्स? या मुझे रणबीर कपूर पसंद है एक्टिंग में ओवरऑल. अभी रिसेंटली मैंने उसकी ब्रह्मास्त्र देखी तो तभी मुझे उसकी एक्टिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी. बट ओवरऑल मैंने आज तक उसके जितने मूवीज देखे हैं उसमें उसकी जो अभी फॉर एग्जांपल उसकी मूवी थी संजू, संजय दत्त को उसने किया था, ने उसका रोल प्ले किया था उसमें. वो इतना इतना ज्यादा एक्यूरेट ऐसा संजय दत्त ही लग रहा था कि रियल संजय दत्त को भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. इतनी अच्छी एक्टिंग की थी उसने. तब वो मूवी से तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वो. ऑल्सो और भी एक्टर्स हैं बट फिर भी रणबीर कपूर इज वन ऑफ देम. जस्ट नेमिंग, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग अ फ्यू सिनेमाटोग्राफर्स या फिर लाइक जिनकी मूवीज मुझे अच्छी लगती है, दिस विल बी लाइक रिकमेंडेशन फॉर ऑल्सो, और लाइक जस्ट टू क्या बोलते हैं, क्रिएट मोर सिनेमा लवर्स लाइक अस इन वेरी स्कार्स सेक्ट ऑफ सिनेमा एंजॉयर्स. ओके, तो लाइक जस्ट सिनेमाटोग्राफी दैट आई लाइक पहले तो फ्रांसिस फोर्ड कपोला, गॉडफादर के मेकर, देन स्टीवन स्पीलबर्ग की भी मूवीज अच्छी रहती है, हालांकि उन्होंने इट की स्टोरी चुराई थी, जो शायद मैं किसी पॉडकास्ट के ऊपर, सोलो पॉडकास्ट के ऊपर बताऊंगा, या फिर लाइक अगर यही पॉडकास्ट के ऊपर आपको बाद में सुनाई देता है तो लाइक या दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. लाइक इट जो एक्स्ट्रा टेरिस्टियल ई टी जो मूवी थी दैट्स एक्चुअली कॉपीड. देन लाइक सत्यजीत रे की मूवीज, देन लाइक संजय लीला भंसाली की मूवीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर, विथ विक्रमादित्य मोटवाने की मूवीज, हु इज ऑल्सो संजय लीला भंसाली ग्रैड, देन लाइक अनुराग कश्यप की मूवीज. लाइक ऐसे जो जेन्युइनली पैशनेट डायरेक्टर्स हैं ना बॉलीवुड में, वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी मूवीज निकालते हैं मेरे अकॉर्डिंग. और लाइक उनका खुद का क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, पैशन, लव फॉर सिनेमा देख के ही लाइक यू कैन जस्ट फील मोर ऑफ दैट मूवी समहाउ. आई डोंट नो, लाइक ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है. लाइक हैव यू ऑल्सो नोटिस्ड इट? ओके सो थोड़ा तूने जो पहले बोला उसका उससे रिलेटेड कुछ पूछना था. जुरासिक पार्क तूने देखी होगी तो वो भी उनकी है ना आई गेस स्टीवन स्पीलबर्ग की. क्योंकि उसके ही सीन से मैंने ऐसा सोचा था. वो जब मैंने मूवी देखी थी ऑब्वियसली थिएटर में देखी थी तभी तो उसमें ऐसे कुछ सीन्स थे जिसमें डायनासोर वो एक जो मेन कैरेक्टर है या बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स हैं जिन पे अटैक होता है डायनासोर का वगैरह ऐसा, वो जो उन्होंने लो एंगल से जो कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से जो दिखाया ना ओवरऑल ऐसा वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको लगेगा कि आप हो एज में हो अभी जिधर सीरियसली डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं या वैसा टाइप्स. इसलिए उनकी वो मूवी मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी. जस्ट टेलिंग ऐसा इट्स रिलेटेड नहीं आई नो बट फिर भी तभी मैंने सोचा था ऐसा सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि वाओ इंटरेस्टिंग है करके. एंड फिर अभी थोड़ा रिसर्च किया एंड ऑल वे बट वो मेरा इंस्पिरेशन काइंड ऑफ था. फॉर लाइक हॉलीवुड डायरेक्टर्स आई ऑल्सो लाइक टू नेम, तूने स्पीलबर्ग का नाम निकाला लाइक सडनली ऐसे वो जेम्स कैमरन मेरे दिमाग में आया. लाइक फॉर ऑल दी सिनेफाइल्स आउट देयर जिनको जेम्स कैमरन मालूम है या फिर नहीं मालूम है, तो लाइक जेन्युइनली यू हैव सीन हिज मूवीज अ लॉट इन योर लाइफ. लाइक उनकी मूवीज सब ने देखी है. लाइक जस्ट फॉर रेफरेंस, जेम्स कैमरन इज अ फिल्म मेकर, और उनकी फेमस मूवीज में आती है टर्मिनेटर की आइटैनिक आई पूरी, गेस या ना. टाइटैनिक, टर्मिनेटर की पूरी सीरीज, ट्रू लाइज, लाइक सारी जितनी भी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवीज थी, ही वाज द फर्स्ट
प्रोड्यूसर एंड समटाइम्स डायरेक्टर या फिर लाइक क्रिएटिव बैकएंड टीम में तो रहते ही है. लाइक एवेटार भी उनकी है. ओके लाइक ही इज़ अ बिग नेम एंड लाइक उनकी भी फिल्म्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. लाइक टर्मिनेटर मैंने लॉकडाउन के लाइक मिड में देखी थी या फिर लाइक शायद से एंड होने वाला था तभी देखी थी. लाइक एंड फ्रॉम दैट लाइक आई गॉट इन टू फिटनेस. लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इज फॉर अ लॉट ऑफ गाइज एंड गर्ल्स लाइक ही इज़ द फिटनेस आइकॉन. लाइक तूने तू फिटनेस फॉलो करती है? लाइक मैंने उतना हमने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं किया उतना. लाइक वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? फिटनेस इन द सेंस लाइक मैं ये टॉपिक में ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंगली इन्वॉल्व नहीं हूँ. लाइक यू नो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ये टॉपिक में, बट फिर भी खुद के लिए ऐसा लाइक ऑब्वियसली मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो गया तो ऐसा थोड़ा यू नो कि अभी ट्रेन से ट्रैवल करना है एंड ऑल, तो उसके लिए मेंटेन करना ही पड़ता है कि लाइक हेल्दी खा के या ओवरऑल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है. बट आई डोंट थिंक कि लाइक मैं इतना कुछ लाइक इन ये टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊंगी. सो अगर तू कुछ बोल पाएगा तो लाइक तू तेरे क्या ओपिनियंस है ये टॉपिक पे, तू कुछ करता है इसमें या आई एम जस्ट लाइक नॉर्मली फॉलोइंग फिटनेस एंड लाइक एक्सरसाइज वगैरह. लाइक जो अभी ट्रैवलिंग से ही मेरी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद द ऑडियंस. ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा लाइक मूवमेंट हो जाती है बॉडी की जो चाहिए. लाइक वॉकिंग हो जाती है और लाइक स्टैंडिंग हो जाती है सिटिंग हो जाती है सब लाइक एकदम कड़क हो जाता है. बट लाइक बाकी स्पेसिफिकली लाइक आई डू स्ट्रेचिंग अ लिटिल बिट. लाइक जब भी टाइम मिलता है लाइक 15 मिनट्स ही लगते हैं मेरे को ऐसा लाइक पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेने के. लाइक जस्ट इट्स ओके लाइक देन यू कैन जस्ट राइड ऑन द डे. सेम. मैं भी ऐसा सुबह बस लाइक थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज करती हूँ, या अब कभी पॉसिबल हुआ तो सूर्य नमस्कार, बट वो अभी फिलहाल तो रोज हो नहीं रहा है मेरे से. बट स्टिल लाइक थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है खुद के लिए तो एटलीस्ट. तो लाइक तूने श्वार्ज़नेगर की मूवी देखी? लाइक कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल श्वार्ज़नेगर वाला पॉइंट. लाइक जहाँ से हम लोग फिटनेस पे चले गए लाइक श्वार्ज़नेगर हर बार मेरे को लेके चला जाता है. भाई वो बंदा लाइक जेन्युइनली अच्छा है. लाइक उनकी फिटनेस देखने में लाइक जस्ट वे ही हैज सस्टेन्ड बॉडी टाइप उनका सेम ही रहा है इतने सारे सालों में. लाइक ही इज 60 नाउ समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डोंट कोट मी. लाइक टेक एवरीथिंग आई से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द ऑडियंस ऑल्सो. लाइक जस्ट टेक इट लाइक एकदम फाइनल वर्ड मत पकड़ो तुम टिल लाइक यू आर कम्प्लीटली श्योर. ठीक है तो लाइक ही मे बी 60 और समथिंग एंड लाइक जस्ट दी वे ही हैज मेंटेन्ड हिज बॉडी हिज हैज लाइक इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एस्पेशली मी हु इज़ लाइक ही आई टर्न्ड अ लिटिल फ्रीक इन फिटनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन जस्ट लाइक कोप अप विथ जस्ट दी चेंजेस दैट लॉकडाउन एंड कोविड एंड लाइक सब पैंडेमिक ने लाया था. तो लाइक वही मतलब उनकी फिटनेस देख के इंस्पिरेशन मिली थी मुझे. और वापस देख मैं वापस भर इधर उधर हो गया पॉइंट्स में. तो या मैं तुझे पूछना चाहता हूँ कि तूने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की स्पेसिफिकली कोई लाइक मूवी देखी है क्या या फिर लाइक कोई दो तीन मूवीज देखी है क्या तूने? नहीं लाइक आई डोंट नो, मैंने नाम सुना है बट मुझे लाइक याद नहीं कि मैंने देखी है या नहीं. लाइक यू नो मैं कभी कभी मूवीज में इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं लाइक आई डोंट नो, मैं ऐसा एक ही पर्सन को फॉलो करने वाली या एक ही पर्सन का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक का बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं करती मैं. लाइक कुछ कुछ लोगों का मुझे कुछ लाइक यू नो कि कुछ काम पसंद है कुछ नहीं. सो आई बिलीव कि यू नो वो कि हर एक का कुछ तो रहता ही है, किसी का एक अच्छा है एक नहीं. सो आई कांट से रियली कि मतलब आई डोंट नो, मैं देखी रहेगी तो मेरे को पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा कुछ. लेट्स सी इट्स लाइक वन वन अप फॉर बोथ ऑफ अस. लाइक मुझे जुरासिक पार्क देखनी है एंड लाइक यू हैव टू वॉच दी श्वार्ज़नेगर मूवीज एंड लाइक जो भी रिकमेंडेशंस आज तू लेके जाएगी खुद के साथ और ऑडियंस तुम भी जाके देखो. अगर नहीं देखा है तो लाइक देखो जाके एंड लाइक हमें कमेंट पे भी तुम ज़रूर बताना भूलना मत. अभी कमेंट कर दो ठीक है? आई विल गिव यू अ सेकेंड. या तुमने कमेंट कर दिया होगा और उसमें आप हमें बताना कि आपने कौन कौन सी मूवीज देखी है अभी तक. लाइक आर यू अ सिनेफाइल और नॉट इसका एक आंसर दे देना. नाउ लाइक गोइंग टू अ मच मोर लाइक
कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफ सॉर्ट्स टॉपिक इन इंडिया, लाइक व्हाई इज ब्रह्मास्त्र सो कॉन्ट्रोवर्शियल एंड सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ? ये सब अभी हम लोग ने तो एक साथ ही देखी है रिसेंटली, बट लाइक मेरे ऐसे पर्सनल ओपिनियंस है वो फिल्म के बारे में कि ओवरऑल लाइक विजुअल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. लाइक इट्स लाइक अ ट्रीट. अगर आप ऐसा प्रॉपर थिएटर में जाके देखोगे तो अभी तक तो ओटीटी पे आई नहीं है बट स्टिल. बट जो डायलॉग्स का या ओवरऑल कुछ कुछ कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग है उसमें जो लाइक उसके वजह से जो तो मूवी में गैप है वो विजुअल्स आई डोंट थिंक कि फिल कर पा रहे एग्जैक्टली. लाइक बॉलीवुड मूवी है ऐसा तो मुझे लगा ही नहीं. लाइक ओवरऑल सब देख के लाइक जो उन्होंने यू नो वही इफेक्ट्स जो यूज किए वो देख के तो लगा ही नहीं कि मैं बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ. बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी तो वही लव स्टोरी या ओवरऑल वही मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि ये सबकी जरूरत नहीं थी. वही जो इंटरनेट पे अभी चल रहा है लाइक यू नो दोनों टाइप के रिव्यूज है इस पे पॉजिटिव नेगेटिव. बट एट सम पॉइंट आई फील लाइक कि जो लाइक जो लोग ऐसा नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं उनका भी काइंड ऑफ बराबर है कि लाइक और ये मूवी अच्छी हो सकती थी. बट आई स्टिल फील लाइक कि उन्होंने मेहनत की है उस पे. इट्स नॉट लाइक टोटली बैड बट मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि उतनी अच्छी है या उन्होंने जितने सारे एक्टर्स को लाया है इसमें उनकी लाइक उनका जो लाइक ओवरऑल लाइक ये सब वर्थ इट है उसके लिए. आई फील लाइक कि वो और दिखा सकते थे बट उन्होंने नहीं दिखाया समहाउ. दैट्स लाइक दी ग्रिपिंग पॉइंट, लाइक उन्हें सेकेंड पार्ट के लिए तुम्हें बुलाना है, तो लाइक इट्स वॉज वन ऑफ दोज क्लिफ हैंगर्स दैट दे लेफ्ट अस एट, लाइक दे डिडंट कंप्लीट ऑल दी थिंग्स. नहीं इट्स नॉट अबाउट दैट बट आई फील लाइक कि ओवरऑल जो लाइक जो ओवरऑल डायलॉग्स है या उनकी जो मेन कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग है एक्सेप्ट लाइक शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये स्पेसिफिक मूवी में. ऑल्सो अमिताभ बच्चन वाला पार्ट. बट जो रणबीर कपूर या आलिया भट्ट भट्ट का जो लाइक यू नो डायलॉग डिलीवरी भी है और जो डायलॉग्स भी है वो उतने मुझे अच्छे नहीं लगे. लाइक उससे अब स्टोरी में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते या ओवरऑल ही ऐसा सीरियस सीन्स में लाइक कुछ कुछ इसमें ठीक है बट फिर भी आप अगर एक बार एक इमोशन कैच कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है लाइक सस्पेंस फील हो रहा है कि आगे क्या होगा क्या होगा तभी एक कॉमेडी सीन डाल के आप जो कनेक्शन बन गया है ऑडियंस का और मूवी का ऐसा लगता है कि वो अचानक टूट गया और वो जब वापस ऐसा लाइक क्या बोलते उसको वापस वो कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करता है तब वो आई गेस लाइक मेरे से तो हो नहीं पा रहा था. लाइक वी शुडेंट ओवर शैडो द फैक्ट दैट मूवी इज लाइक डाउन राइट बैड, क्योंकि लाइक आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट एज अ सिनेफाइल लाइक बोथ द कॉन्सेप्ट्स, लाइक द पॉजिटिव द गुड एंड द बैड. लाइक ये एक क्वालिटी है जो मैंने ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और तू खुद भी सानिका जाके उनका चैनल चेकआउट कर. जैमी पैट उनका नाम है, लाइक आई डोंट नो हिज रियल नेम, हिज इंस्टा आईडी इज जैमी पैंट्स समथिंग समथिंग. उनका यूट्यूब चैनल ओके ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस है, लाइक वो जेन्युइनली मूवी के लाइक द गुड द बैड एंड लाइक देन ही जस्ट लीव्स द चॉइस ऑन यू टू लाइक गो एंड इन्वेस्ट एंड जस्ट लाइक वॉच द मूवी. तो लाइक द गुड अबाउट ब्रह्मास्त्र इज द विजुअल्स, द VFX, द शीयर वर्क दैट दे डिड टू ब्रिंग आउट सो मच आउट ऑफ बिग स्टार्स एंड ऑल्सो टू लाइक गेट देम कलेक्टिव इन लाइक वन फिल्म, लाइक लेट इट बी द नागार्जुन, लाइक ही इज अ वेरी बिग साउथ स्टार, देन लाइक लेट इट बी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन एंड ऑल जो भी जो सबऑर्डिनेटिंग कास्ट थी, और वो जो उसे एक सीक्रेट कैमियो था जो उन्हें शायद से लाइक एंड तक रखना चाहिए था, बट लाइक इट वॉज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मूवी ऑल्सो. लाइक जिन्होंने नहीं देखी है वो लाइक जाके देख के आओ, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो सॉन्ग्स है वो लाइक नाउ आई विल गेट टू द बैड, लाइक ओके द बैड्स ऑफ द मूवी, द डाउन राइट थोड़े से डिसप्लीजिंग जो पॉइंट्स थे मूवी के, कि द सॉन्ग्स वेर जो फर्स्ट जो देवा रे देवा करके जो सॉन्ग उन्होंने डाला था इट वॉज थोड़ा सा ऑफ.
वो फिट नहीं हो पा रहा था वो सीन में, लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। या जो वो स्पेशल कैमियो था उसकी एक्टिंग, लाइक उनके जो एक्टिंग थी उसके बाद, लाइक आफ्टर दैट सीन जस्ट लाइक कटिंग टू लाइक दैट हैप्पी हैप्पी जॉली सॉन्ग, इट वॉज लिटिल डिफरेंट। एंड लाइक ये मैंने तुझे पॉइंट आउट करके बताया था वाइल वी वे लाइक वॉचिंग द मूवी की, लाइक इट्स लुकिंग ऑफ करके। और फिर मतलब बाकी मूवी आई विल जस्ट से इट्स लाइक 8 out of 10 मूवी, इट्स अ लेबर ऑफ लव। लाइक 10 साल लगा दिया, एंड लाइक एटलीस्ट बॉलीवुड इज ट्राइंग समथिंग विच इज जेन्युइनली अनहर्ड ऑफ टिल नाउ। एंड लाइक इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने ज़्यादा टेक्निकल टीम थे उन सबको लाइक एक क्या बोलते हैं एक क्लैप्स उन्हें मिलने चाहिए। एंड दैट्स ऑल आई फील कि लाइक बस क्या बोलते हैं इसे हम कैंसिल जस्ट फॉर द फैक्ट कि एक बॉलीवुड मूवी है, इसे कैंसिल ना कर दे। क्योंकि लाइक मार्वल मूवीज़ का भी एक प्रॉब्लम था, जैसे तूने बताया कि लाइक अ सीन इज गोइंग, वी गेट लाइक ऑल सस्पेंस थ्रिलर एंड वी गेट एंगेज इन द सीन, एंड देन लाइक सडनली एक जोक क्रैक होता है। ये मार्वल का भी प्रॉब्लम था। दी यूजुअल मार्वल वॉचर्स हु वॉच्ड मूवीज ऑफ मार्वल लाइक इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, आयरन मैन की सीरीज, ब्लैक पैंथर, थॉर की लव एंड थंडर, मैंने नहीं देखी सॉरी लव एंड थंडर नहीं, थॉर की रैगनारॉक वगैरह जो थॉर की मूवीज थी, डार्क वर्ल्ड। मैं कोई भी मूवी देखने के पहले लाइक पहले तो मैं रिव्यू नहीं देखता किसी पर्सन का भी। लाइक देर आर फ्यू फिल्म क्रिटिक रिव्यूज दैट आई फॉलो, लाइक फिल्म कंपेनियन हो या फिर लाइक वो IBP प्रोडक्शंस हो, देन लाइक ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस हो, या फिर लाइक सोशल करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी आप चेकआउट करो। मैं आपको इन सबके लिंक्स दे दूंगा। लाइक यू शुड जेन्युइनली जस्ट गो एंड चेकआउट दीज गुड यूट्यूब चैनल्स दैट आर आउट देर एंड हु आर जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड लाइक ग्रेट क्या बोलते हैं ग्रेट कॉन्टेंट अबाउट द फिल्म। की लाइक दे आर लीविंग द ओपिनियन ऑन यू कि लाइक तुम्हें मूवी देखना है नहीं देखना, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, वी आर जस्ट टेलिंग यू कि लाइक दिस वॉज गुड दिस वॉज बैड, नाउ यू हैव दी होल चांस, यू हैव दी होल चॉइस ऑफ लाइक गोइंग इन्वेस्टिंग योर टाइम मनी एफर्ट एंड लाइक जस्ट वॉचिंग द मूवी। लाइक या एग्जैक्टली, लाइक आई थिंक कि हर एक के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। एंड अगर मैं देखती हूँ ऑब्वियसली किसी मूवी में, लाइक किसी मूवी देखने से पहले रिव्यूज चेक करके जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे अभी आदत हो चुकी है उसकी। बट फिर भी मुझे लाइक एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अगर पहले से ऐसा लाइक यू नो रिव्यूज वगैरह देखा, तो एक एक ऐसा प्रस्पेक्टिव क्रिएट हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, और वो आप मूवी यू नो स्टार्टिंग से लाइक ऐसे देख नहीं पाते, खुद के ओन परस्पेक्टिव, लाइक खुद का ओन ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पाते, ऐसा मुझे लगता है। सो आई गेस कि यू नो लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग कि दूसरों का ओपिनियंस उस पे, लाइक दूसरों के ओपिनियंस पढ़ना या सुनना। तो वही है लाइक अभी वही हम पॉइंट बताना चाहते हैं कि लाइक यू हैव द चॉइस टू वॉच अ मूवी, यू गो इन्वेस्ट एंड लाइक ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ के मत जाओ। लाइक क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें शेल्टर्ड कर देता है इन द फैक्ट लाइक यू कैन नॉट वॉच दी सिनेमा मच मोर ओपनली। इट्स जस्ट अ फिल्म क्रिटिक्स कॉन्वर्जेशन, जिन्हें एक नॉर्मल एंजॉय की तरह मूवी देखनी है तो जाओ भाई जाके देखो। यू आर क्रिएटिंग यू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ द मनी दैट यू आर गिविंग फॉर सिनेमा, एंड लाइक यू आर जस्ट इनिशिएटिंग सम गुड कॉन्टेंट। लाइक वही है, बाकी OTT पे मूवीज देख भी सकते हो तुम, लाइक OTT पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यू मेड लाइक अ पॉइंट सानिका लाइक स्पेसिफिकली कि हमारे पास लाइक खुद की एक चॉइस रहनी चाहिए, एंड लाइक देर आर सर्टन टॉपिक्स आई फील विच वी कैन टॉक अबाउट। लाइक ये अभी एक नई ब्रांच हम लोग खोल सकते हैं वाइल दिस कॉन्वर्सेशन इज ऑन कि लाइक एक टॉपिक है विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लाइक विथ यू इज लाइक बींग रिलीजियस अकॉर्डिंग टू यू सेपरेट फ्रॉम लाइक फॉलोइंग अ रिलीजन। लाइक आई एम टॉकिंग यू कैन बी धार्मिक रह सकते हो, पर वो धार्मिक रहने के लिए तुम्हें कोई धर्म को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है क्या? लाइक जो मुन्ना भाई MBBS का लाइक है ना, लाइक ये ज़रूरी है क्या? लाइक वही मेरा क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक पे लाइक मेरे पर्सनल ओपिनियंस तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, बट अभी मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू नो आपको किसी लाइक अभी आप जो फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, या आपके लाइक यू नो ओवरऑल अगर गॉड की बात की जाए, लाइक जिसके हिसाब से आप फॉलो करते हो, लाइक आपका जो रिलीजन है उसका सब यू नो प्रॉपर ऐसा फॉलो करते हो या बिलीव करते हो,
तो लाइक इफ यू आर फॉलोइंग इट्स गुड, बट आई फील लाइक कि आपको एक ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि यू नो आप से लाइक इतना भी प्रेशराइज होके फॉलो नहीं करना चाहिए कि आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो. लाइक यू नो आपको अगर अंदर से फील हो रहा है कि यस मुझे करना है, लाइक मुझे फॉलो करना है ये रिलीजन, ये स्पेसिफिक रिलीजन कौन सा भी हो. लाइक आजकल तो लोग लाइक जो रिलीजन से बिलोंग करते नहीं है लाइक दूसरे रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं, लाइक अच्छी बात है वो, बट फिर भी ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको करना है या बाकी लोग करते हैं इसलिए आप कर रहे हो. अगर आपको फील हो रहा है अंदर से तो जेन्युइनली आप कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली अगर मेरी बात की मैंने तो मैं इतना ये सब पे बिलीव नहीं करती या खुद इतना फॉलो नहीं करती है सब, लाइक यू नो इतनी रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ मैं. By like religious, what do you exactly mean? Like, why you're not a religious person? What's the meaning of religious that you're trying to put forward here? ओके सो बेसिकली आई थिंक कि मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कि अगर मैं किसी रिलीजन को फॉलो करूँ तो वो ऑलरेडी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, लाइक रिलीजन इन द सेंस जो कोई स्पेसिफिक ऐसा गॉड है जिसके लिए हम लोग ये सब करते हैं या यू नो प्रे करते हैं या ओवरऑल जो कुछ भी ऐसा कुछ ये रहता है यू नो कि और लाइक सर्टेन डे पे लाइक यू नो ऐसा डेज रहता है ना कुछ कि ये डे पे फास्ट करते हैं गॉड के लिए, लाइक ऐसा कंसेप्ट है कि गॉड के लिए करते हैं या ऐसा सब. तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लाइक किसी ने क्रिएट किया है इसलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं, या एटलीस्ट हम लोग का माइंडसेट तो वैसा, उसके ऑब्वियसली कुछ साइंटिफिक रीजंस है भी जो एक्सप्लेन किए हैं बहुत सारे लोगों ने, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फॉलो करने में कुछ लाइक यू नो ऐसा रिस्ट्रिक्शन जैसा फील होता है समहाउ कि किसी ने ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं इसलिए हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, या हम लोग ये रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए मुझे ये फॉलो करना पड़ रहा है. तो आई फील लाइक कि एक तो मेरा ऐसा बहुत ओपिनियन है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो हाउ कैन लाइक यू से लाइक यू आर एन एथिस्ट, क्योंकि एथिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही वाइट वॉश्ड है, बहुत ज़्यादा ही मिस्टेकन है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए. लाइक दे फील दे आर एथिस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज लाइक दे डोंट बिलीव इन गॉड. लाइक तुम एक किसी स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ, स्पेसिफिक गॉड में बिलीव करते हो. इट कैन जस्ट बी लाइक नॉर्मली और लाइक जस्ट बिलीविंग इन एन एनर्जी और बिलीविंग इन द यूनिवर्स. यू कैन लाइक मैनिफेस्ट थिंग्स एंड यू गेट थिंग्स. लाइक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. लाइक विदाउट बीइंग अ धर्म का लाइक फॉलोअर, यू कैन जस्ट लाइक बी अ रिलीजियस पर्सन, अ धार्मिक पर्सन. नॉट सेइंग कि मैं एथिस्ट हूँ, बट लाइक यू नो समहाउ ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जब भी पहले नाम तो गॉड का ही आता है कि प्लीज सेव मी ऐसा. तो लाइक ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं कम्प्लीटली ही बिलीव नहीं करती या लाइक मुझे कुछ लाइक मैं कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती, बट लाइक यू नो आई फील लाइक कि ये सब लाइक जो कंसेप्ट है कि हम लोग गॉड के लिए कर रहे हैं ये, या यू नो एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि वो फास्ट रखते हैं या कुछ ऐसा फंक्शंस या ओवरऑल कुछ तो चालू ही रहता है लाइक गॉड के लिए ऐसा ओवरऑल, तो आई डोंट फील कि ये सब हमें सच में करने की ज़रूरत है. ऑल्सो अगर एक पार्ट देखा जाए ये सबका कि मैं ये सब क्यों बिलीव नहीं करती, तो देयर इज अ जर्मन फिलोसोफर, इफ यू हर्ड ऑफ हिम, आई लाइक आई डोंट नो कि तुझे पता है कि नहीं, वो फ्रेडरिक नीचे करके है, उसने लाइक उसके थॉट्स लाइक ही वॉज एन एथिस्ट, बट उसका एक थॉट मुझे समहाउ ऐसा ट्रू लगता है. उसने कोट किया था लाइक गॉड इज डेड, उस पर बुक भी लिखी थी उसने. ऑल्सो उसका और एक कोट है जो मैं जिससे रिलेट करती हूँ थोड़ा बहुत, या मुझे थोड़ा ये लगता है कि ओके इट्स काइंड ऑफ ट्रू. इज मैन मियरली अ मिस्टेक ऑफ गॉड्स और गॉड मियरली अ मिस्टेक ऑफ मैन. तो अगर पहले वाला गॉड इज डेड वाला पार्ट एक्सप्लेन करने जाऊँ तो उसका ऐसा कंटेक्स्ट था कि लाइक ही इज नॉट सेइंग कि गॉड एक कोई पर्सन है जो डेड है, बट उसको ऐसा बोलना है कि गॉड एक कंसेप्ट है जो अभी के वर्ल्ड लाइक अभी जो हम लोग जैसे लाइफ जी रहे हैं उसमें वो लाइफ में लाइक रिलेटेबल ही नहीं है.
बिकॉज यू नो साइंस एंड एवरीथिंग. तो लाइक वो तो अभी है नहीं, लाइक ये बहुत पुराना थॉट है उसका, बट उसको ऐसा लगता है कि ये लाइक उसको ऐसा लगता था कि गॉड रिलेटेबल नहीं है अभी, या लाइक यू नो रिलेवेंट नहीं है अभी. और वो इज मैन मियरली अ मिस्टेक ऑफ गॉड्स और गॉड मियरली अ मिस्टेक ऑफ मैन, वो लाइक उसका लिटरल मीनिंग ही उसको बोलना था कि मे बी यू नो एक उसके बुक में ही ये सबसे रिलेटेड एक बुक में ही लिखा है. मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट एकदम डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वो. बट शॉर्ट में बोला जाए तो उसको लाइक उसने ऐसा स्टोरी काइंड ऑफ वे में बताया है कि गॉड मे बी एक ऐसा पर्सन था. लाइक पहले तो ओके, पहले तो आई वुड लाइक टू से कि उसने और ये बोला था पहले कि गॉड इज जस्ट लाइक ह्यूमंस, ही मेक्स मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन टू सीक परफेक्शन. तो इससे रिलेट करने जाऊँ आगे मैं जो बोल रही हूँ वो, कि गॉड मे बी उसके हिसाब से एक पर्सन था जो बोर हो चुका था उसके लाइफ से, इसलिए उसने ह्यूमंस को क्रिएट किया. देन ह्यूमंस भी काइंड ऑफ बोर हो गए, यू नो कि लाइक तो लाइक गॉड भी बोर हो गया ह्यूमंस भी, तो उन्होंने एनिमल्स को क्रिएट किया. देन गॉड को रियलाइज हुआ कि ये सब लाइक मिस्टेक है, लाइक यू नो ये लाइक ये जो लाइफ का एक सर्कल क्रिएट हुआ ये सबकी वजह से, और लाइक इसकी वजह से उसको रियलाइज हुआ कि ये सब नहीं कुछ तो गलत हो रहा है करके. देन उसके बाद साइंस का इन्वेंशन हुआ जो लाइक लिटरली गॉड का एनिमी था. अगर फ्रेडरिक नीचे के प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसने जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से बोल रही हूँ, नॉट दिस इज नॉट माई ओपिनियन, लाइक दिस इज नॉट माई स्टोरी. तो उसने ये सब लाइक इन डिटेल एक्सप्लेन किया एक स्टोरी के फॉर्म में कि और मे बी ये सब क्रिएट करके उसको लगा कि उसने मिस्टेक किया है गॉड ने. सो इसलिए ही सेइंग कि गॉड इज जस्ट लाइक ह्यूमंस, ही मेक्स मिस्टेक्स टू सीक परफेक्शन. एंड आई गेस कि ये वाला पार्ट जो उसने बोला है वो काइंड ऑफ ट्रू है कि व्हाट इफ गॉड यू नो अगर एग्जिस्ट करता है सच में, ऐसा कोई बीइंग है जो कंट्रोल कर रहा है हमारी लाइफ को ओवरऑल, तो किस हिसाब से कि वो लाइक यू नो एक पॉजिटिव ही कनेक्शन है. लाइक अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ये सब पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के लाइफ में लाइक ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसकी लाइफ कंप्लीटली हैप्पी हो या ऐसा कुछ. हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लाइक दुख रहता ही है, यू नो कोई भी हो छोटा बड़ा वट एवर. तो आई गेस कि ये अगर गॉड सच में एक यू नो एक अच्छे वे में जैसे लोग फॉलो करते हैं रिलीजन, या जैसे लोग गॉड को फॉलो करते हैं कि लाइक प्रे करते हैं उसको अच्छे के लिए कि यू नो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होने दो मेरा सब, वैसे काइंड ऑफ वे में, तो उस हिसाब से हम लोग ऐसा ये करते हैं कि गॉड एक अच्छा बीइंग है जो हमारी हेल्प करता है, या यू नो डेस्टिनी लिखता है हमारे लिए जो अच्छी ही होगी ऐसा हम लोग होप करते हैं. बट ये सब देख के लाइक जो ओवरऑल लाइफ में ऐसा दुख है सबके, या ओवरऑल जो ऐसा कुछ होता है किसी के भी इंडिविजुअल लाइफ में सैड ऐसा कुछ, तो अगर ये सब होता ही नहीं ना, अगर गॉड सच में होता लाइक यू नो एकदम पॉजिटिव बीइंग ऐसा ऐसा मुझे लगता है. इट्स जस्ट माई ओपिनियन, बट वो मैं बस रिलेट कर रही हूँ फ्रेडरिक नीचे के कुछ कोट्स से, बट आई डोंट कम्प्लीटली बिलीव देम. सो वॉट्स योर ओपिनियन? मैंने लाइक रिसेंटली एक कोट पढ़ा था. इट वाज लाइक इफ साइंस इज अ व्हीकल देन स्पिरिचुअलिटी ड्राइव्स इट. एंड लाइक मुझे इसका एकदम फट से हम लोग बोलते हैं लाइक यू कैन नॉट अब्सॉर्ब द होल स्पिरिचुअल या फिर द नॉलेज दैट दैट वन लाइन कैन गिव आउट. मैं अभी वो कोट लाइक कभी भी कुछ ऐसे लाइक आई फील कि सम स्पिरिचुअल चेंजेस हैपनिंग इन माई लाइफ, आई क्या बोलते हैं आई गेट बैक टू दैट कोट मेंटली. आई एम जस्ट लाइक ओ ओके लाइक दिस कोट मेंट दिस इन दिस सिचुएशन फॉर मी. लाइक दैट वॉज वन ऑफ द कोट्स आई सॉ. एंड लाइक आई फील लाइक एक थियरी जो हम लोग कल लाइक आफ्टर द मूवी वी आर टॉकिंग लाइक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें ये एक थियरी मैंने तुझे बताई थी कि लाइक ऐसी एक थी अगर ऐसा हो कि लाइक आफ्टर वी डाई वी गो टू लाइक गॉड्स प्लेस वेयर ही जस्ट टेल्स अस कि लाइक ओके नाउ दिस लाइफ योर दिस लाइफ हैज़ बीन लाइक कम्प्लीटेड, ऐसे ऐसे तूने सब किया है, नाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी फॉर योर नेक्स्ट लाइफ.
एंड देन लाइक वी राइट दी स्टोरी फॉर अ नेक्स्ट लाइफ लाइक एंड वी कैन राइट एनी थिंग ना लाइक वी कैन इमेजिन आर सेल्स एज एन एनिमल वी कैन इमेजिन आर सेल्स लाइक अ वुमन वी कैन इमेजिन आर सेल्स लाइक एनी एलियन स्पीसीज वी कैन इमेजिन आर सेल्फ एज अ मैन ओनली वी कैन इमेजिन आर सेल्फ एज लाइक मैनी मैनी थिंग्स ओके एंड लाइक वो स्टोरी हम लोग लिख लेते हैं एंड देन लाइक गॉड इज लाइक ओके तूने स्टोरी लिखी जस्ट रीड्स इट एंड देन ही लाइक मेक्स अस फॉरगेट द होल पार्ट फिर हम वी गो We बाय get to live that story, yeah. या एंड Like लाइक I get what you're saying. यही एक मतलब थियरी थी जो मैंने खुद बनाई है एंड लाइक आई वाज जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट इट यस्टरडे राइट बहुत ज़्यादा हम लोग को वो लाइफ में मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है लाइक ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं कभी देखी है कभी महसूस की है लाइक ये मतलब थोड़ा क्लीशे लगेगा सुनने बट लाइक हमें लगता है कि लाइक ये पहले कभी हो चुका है हमारे साथ एंड लाइक इट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इट्स जस्ट अ थियरी आई डोंट हैव एनी फैक्चुअल एविडेंस इट्स जस्ट अ इमेजिनेटिव थिंकिंग प्रोसेस दैट गॉट मी टू दिस शेयरिंग पॉइंट लाइक ओके तो ये एक थियरी थी जो मैंने बनाई थी एंड लाइक आई फील गॉड इज़ नॉट द मोस्ट वाइट वॉश्ड पर्सनैलिटी दैट कैन एवर बी इट्स जस्ट लाइक वी हैव सेग्रीगेटेड इट टू आर नीड्स एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड लाइक एक बहुत अच्छा एक इक्वेशन है लाइक एक पर्सन ने बनाया था आई कैन नॉट रिमेम्बर हिज नेम बट आई हर्ड इट ऑन अ पॉडकास्ट उसके अंदर उन्होंने बोला था लाइक गॉड इज इन्फिनिटी माइनस के वेयर इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट नॉलेज जितना भी इस वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एंड के इज द नॉलेज ऑफ ह्यूमंस एंड लाइक गॉड इज दैट जो उसका मतलब डिफरेंस आता है इन्फिनिटी माइनस के का दैट्स गॉड लाइक आई वाज वेरी वेरी क्या बोलते एंथ्रॉल्ड कि किसी ने ये लाइक मैथमेटिकली भी एक प्रकार से प्रूव कर पाए लाइक एंड इट मेक्स सेंस इफ यू पे अटेंशन टू दैट इक्वेशन कि लाइक या गॉड कैन बी समथिंग विच लाइक वी डोंट नो राइट. ऑल्सो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर यू सेड कि अभी तुमने बोला ना वो थियोरी वाला पार्ट, तो ऐसे ऑलरेडी बहुत थियोरीज है लाइक जैसे तूने बोला वैसे टाइप के, या ऐसे भी कुछ थियोरीज है लाइफ से रिलेटेड. लाइक यू नो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइक सबको ही आता है कि पॉइंट क्या है लाइक लाइफ का. लाइक यू नो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें अभी, क्यों ह्यूमंस बॉर्न होते हैं, देन हमें हम जो कर रहे हैं वो सब क्यों लाइक करते हैं लाइक. यू आर ट्राइंग टू से कि वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ हाँ, राइट. वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर एग्जिस्टेंस वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग रिसोर्सेज दैट वी हैव वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर इंटेलिजेंस वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव राइट. वही है लाइक जस्ट दी पॉइंट की व्हेन वी थिंक कि लाइक व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ये सारे टीनेजर्स के साथ हो चुका है एंड नॉट जस्ट टीनेजर्स सबके साथ हो चुका है लाइफ में लाइक आवर पेरेंट्स टू मी हैव हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है या फिर लाइक हमारे बाद जो भी जनरेशन आई है हमारे भाई बहनों की या फिर लाइक हमारे जो बच्चे रहेंगे उनकी जो जनरेशन रहेगी लाइक वो भी इस क्वेश्चन का इट्स जस्ट लाइक इनर क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमंस टू जस्ट क्वेश्चन थिंग्स एंड आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो लाइक इसी वजह से लाइक हमारे इन्वेंशन हमारी रिसर्च होती आ रही है वही कि लाइक एज यू सेड अर्लियर कि ऐसे कुछ थियोरीज ऑलरेडी है, लाइक वो ऑब्वियसली फैक्ट्स नहीं है, थियोरीज ही है, बट फिर भी बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो थियोरी सुनने में, तो एटलीस्ट या जस्ट इमेजिन करने में कि व्हाट इफ ये सच हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक थियोरी है, अभी मुझे याद नहीं कि वो किसकी है, बट कि लाइक हम लोग एक सिमुलेशन में रह रहे हैं जिसमें कोई एक पर्सन हमें कंट्रोल कर रहा है, लाइक हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, और मे बी हमारे पर्सपेक्टिव से वही गॉड है. लाइक यू नो गॉड तो अननोन ही है हमारे लिए, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि हम लोग सच में एक सिमुलेशन में हैं और मरने के बाद हमें पता चलेगा कि अरे लाइक ये सब तो रियल था ही नहीं जो हम लोग ने किया एक्सपीरियंस इतना टाइम तक ऐसा. या ये रिक एंड मॉर्टी करके एक शो है उसके अंदर भी ये थियरी को प्रेजेंट किया था इन वन एपिसोड इन वन स्पेसिफिक एपिसोड कि लाइक लाइफ कैन बी लाइक सच अ बिग सिमुलेशन
यू कैन गो एंड चेक आउट रिक एंड मॉर्टी भी बहुत अच्छा है कि इट्स जस्ट लाइक ये एपिसोड में इट्स लाइक डिस्कस करो एंड लाइक अपने सजेशंस दो और रिकमेंडेशंस दे दो. द पॉइंट लाइक वही है कि थियरीज बहुत ज़्यादा है एंड लाइक इट्स योर चॉइस के लाइक उनके बारे में तुम बिलीव करो या फिर लाइक जस्ट हाउ यू परसीव थिंग्स इट्स अपॉन योर इंटेलिजेंस योर क्या बोलते हैं तुम्हारा जो भंडार है तुम्हारे पास तुम्हारे बैकएंड में जो दिमाग के चलता रहता है दैट समथिंग दैट कैन टेल हाउ यू परसीव थिंग्स. एंड लाइक जो ये थियरीज है लाइफ एंड डेथ की इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. लाइक इज देर एनीथिंग पर्टिकुलरली यू लाइक टू टेल अस अबाउट डेथ लाइक योर पर्सपेक्टिव अबाउट डेथ. ओके सो एज आई सेड कि अगर लाइक मैं ऐसे बहुत सारे थियोरीज मैंने सुने हैं ऑलरेडी, बट अगर वो ही सिमुलेशन वाला टाइप या ऐसा कुछ, तो कि एज आई सेड कि मरने के बाद हम लोग को अपने नेक्स्ट इसकी लाइक यू नो नेक्स्ट लाइफ की स्टोरी लिखने को मिलती है, वैसा सब लाइक यू नो आई फील लाइक कि डेथ रियल है ही नहीं. लाइक मे बी अगर वो तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है, लाइक हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कुछ. बट फिर भी अभी रिसेंटली मैंने एक शो देखा था द गुड प्लेस करके, तो मैंने आई गेस लाइक तेरे साथ डिस्कस किया था ये कल या परसों ही आई गेस. तो लाइक उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक पर्सन लाइक कुछ जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके डेथ के बाद उनके लाइक जो ना ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं कि उन्होंने पूरे लाइफ में क्या क्या किया है, एंड वो पॉइंट्स के हिसाब से वो डिसाइड लाइक अच्छे काम किए तो प्लस पॉइंट्स और कुछ बुरे काम किए हो गए तो उसके लिए पॉइंट्स कट होते हैं या नेगेटिव मार्किंग लाइक नेगेटिव पॉइंट्स उनके इसमें ऐड होते हैं. तो वो उनकी डेथ होने के बाद वो कैलकुलेट होता है एंड उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लोग लाइक गुड प्लेस में जाएंगे जिधर उनको लाइक यू नो जैसा हम लोग के इसमें कॉन्सेप्ट हैवन या हेल, वैसा टाइप्स गुड प्लेस या बैड प्लेस. बट उन्होंने ऐसा ट्विस्ट दिखाया उसमें कि जो लोग गुड प्लेस में जाते हैं वो एक्चुअली गुड प्लेस होता ही नहीं है, लाइक इट्स जस्ट अ सिमुलेशन ऑफ द गुड प्लेस, बट एक्चुअली वो उन्हें मेंटली टॉर्चर करे जो उन्हें पता नहीं चलता और रिया शो के एंड में रियलाइज होता है कि ये गुड प्लेस है ही नहीं. तो वैसा काइंड ऑफ लाइक वो शो देखने के बाद से ज्यादा ऐसा इंटरेस्ट, ज्यादा ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा या मैं ज्यादा सोचने लगी ये सबके बारे में कि सच में क्या हो सकता है. बट आई कांट रियली टेल कि क्या लाइक मैं क्या बिलीव करती हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज इतने सारे थियोरीज हैं, सब सुनने में इतना लाइक एक पॉइंट पे ऐसा सच भी लगता है कि हो सकता है, बट देन अगेन कुछ दूसरा सुनती हूँ तो लगता है अरे हाँ ये भी पॉसिबल है, या मे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि ये सब इतना इतना ज्यादा थिंक करने जैसा चीज है ही नहीं. आई डोंट नो लाइक तेरा ओपिनियन क्या है ये सब पे, तुझे क्या लगता है? डेथ इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बताओ तो. लाइक सब डेथ इस कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अलग अलग परसीव करते हैं अलग अलग समझते हैं अलग अलग बताते हैं अलग अलग क्या बोलते हैं इसका प्रकाशन अलग अलग पद्धतों से होता है. लाइक ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया सॉरी. वही मतलब वी परसीव डेथ एज वेरी वेरी डिफरेंट एंड लाइक डेथ इज नॉट दी एंड आई फील लाइक देर मे बी आफ्टर लाइफ. आई समवॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ इन कर्मा इन लाइक ऑफ बींग लाइक गुड पर्सन इज गुड फॉर यू टू लाइक इन आफ्टर लाइफ. लाइक ये थोड़ा वर्ड्स उतना अच्छे से फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बट लाइक जस्ट आई एम टेलिंग लाइक अ बेसिक आइडिया दैट्स फिडलिंग माई माइंड रिसेंटली कि लाइक डेथ मैंने ऐसे एकदम वन टू वन उतने इसे लाइक क्या बोलते हैं उतने नज़दीकियत से अभी देख लिए कि लाइक डेथ इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा डर भी लगता है थोड़ा इंटरेस्ट भी है एंड लाइक विद दी थियोरीज दैट आर फ्लोटिंग अराउंड अबाउट ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडिंग डेथ इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीमली जस्ट मेंटली इट्स एक्सट्रीमली कॉग्निटिव एंड क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ओरिएंटेड प्रोसेस फॉर मी. राइट, एज यू सेड कि समवॉट ऐसा यू नो कि फियर भी आता है मन में, लाइक स्पेशली अगर किसी क्लोज वन की डेथ देखी हो या ऐसा. लाइक जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही यू नो थोड़ा सा लाइक यू आर नॉट श्योर कि क्या होगा उसके बाद. तो लाइक जब तक
वही तूने जो बोला वही रिपीट करी, आई नो, बट फिर भी मुझे वही बोलना है कि लाइक यू नो, जब तक खुद कोई पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक यू कैन रियली टेल कि क्या होगा या ऐसा, बट सेम टाइम वही कि इंटरेस्टिंग है, डर भी लगता है, एंड आई गेस एज अ ह्यूमन बींग इट्स वेरी ऑब्वियस कि डर लग सकता है डेथ का ऐसा. Are you scared of death? Like, what are the things that you feel like make you scared of death? What are the factors that contribute to you being scared and just afraid of death? आई फील लाइक कि लाइक इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, लाइक आई एम नॉट एग्जैक्टली स्केयर्ड ऑफ डेथ, बट स्केयर्ड इन द सेंस मुझे अगर मैं लाइक मेरी डेथ हो भी गई तो आई फील लाइक कि ऐसी डेथ नहीं होनी चाहिए जिसमें मुझे लाइक यू नो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, जैसे लाइक अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसा एक्सीडेंट से वगैरह, या बहुत ज़्यादा ऐसा यू नो हॉस्पिटल में वगैरह डेथ होती है जिनकी बहुत सफर करने के बाद. फील है कि थोड़ा पीसफुल डेथ हो मेरी, बस उतना ही मेरा फियर है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मुझे सफर करना पड़े बहुत, एंड मुझे डेथ का वेट करना पड़े कि कब मैं मरूंगी और कब मेरा सब सफरिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा टाइप की डेथ नहीं चाहिए मुझे. दैट्स इट, लाइक दैट्स वॉट आई फियर द मोस्ट. बट ऐसा ओवरऑल लाइक देखा जाए डेथ के बारे में तो लाइक आई गेस ये ऑब्वियस ही है, सबको ही होता रहेगा ऐसा, बट अगर किसी क्लोज वन की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली लाइक बहुत ज़्यादा मुझे लाइक मेरा डर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इनफैक्ट वही मेरा डर है कि किसी क्लोज वन की डेथ यू नो की हो गई तो ऐसा कभी कभी यू नो ऐसा होता है ना, लाइक आता है माइंड में ऐसा कुछ तो. Are you like familiar with the topics of spirits, ghosts, like occult in general? And like, what are the things that you know about occult that you feel are very, very interesting and you like to share it with the audience? So, I don't know if you've like you know heard of it. मैंने तेरे साथ डिस्कस किया था आई गेस कुछ दिन पहले ही, वो घोस्ट स्टोरीज का पॉडकास्ट, मैं वो घोस्ट स्टोरीज का पॉडकास्ट सुनती हूँ जो जोस कोवैको का. तो लाइक यू नो उसकी वजह से मेरे को आई डोंट नो, मैं बीच में तो एकदम ऑब्सेस हो चुकी थी उसके पॉडकास्ट से कि मैं हर एक लाइक वो एवरी वीकेंड पे डालता था तो मैं ऐसा एकदम प्रॉपरली फॉलो करती थी वो, रात को जाग के वगैरह सुनती थी उसका वो सब, लाइक यू नो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, या समटाइम्स ऐसा लगता है कि यू नो कि ये रिलेटेबल लगता है मेरी लाइफ से. इनफैक्ट मुझे ऐसे बहुत वियर्ड ड्रीम्स भी आए ऐसा सब यू नो देखने के बाद, लाइक उसका पॉडकास्ट सुनने के बाद एक्चुअली, और वो लाइक यू नो कि मुझे ऐसा लाइक वो मेरे घोस्ट टाइप के एक्सपीरियंस में काउंट होता है समहाउ. फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले ही ड्रीम आया था ऐसा कि मैं सोई हूँ, एंड लाइक सपने में ही मैं सोई हूँ, मैं उठी आई गेस वॉशरूम के लिए या पानी पीने के लिए ऐसा उठी गई, जाके आई मेरे रूम में एंड देखा तो मैंने ही खुद को देखा कि मैं सोई हूँ. लाइक यू नो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई दूसरी पर्सन हूँ या मेरा सोल मेरी बॉडी को देख रहा है, वैसा टाइप फील हुआ, एंड अचानक मैं उठ गई वो ड्रीम से. ऑल्सो मैंने ये ऐसे लाइक ऐसे टाइप की सिमिलर स्टोरीज उसके पॉडकास्ट पे वगैरह सुनी है, तो ऐसा मेरे को ऐसा वो मेरे घोस्ट टाइप के एक्सपीरियंस में काउंट था. आई नो कि वो लाइक यू नो इतना रिलेटेबल है नहीं है दोनों टॉपिक, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा हो सकता है यू नो, लाइक आई बिलीव इन घोस्ट, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा. ये अभी जैसे मैंने बताया लाइक जो मेरा ड्रीम, आई गेस ये सब एक्सपीरियंसेस भी ऐसे इसमें काउंट होते हैं. लाइक आई डोंट फील लाइक कि घोस्ट ऐसा कुछ स्कैरी ये है जिससे लाइक जो कॉन्सेप्ट बनाया है मूवीज ने वगैरह जिससे डरना चाहिए हमें ऐसा कुछ. लाइक कमिंग टू दी होजे वाला लाइक जोस कवाको जिन्हें हम फेमसली होजे इस नाम से जानते हैं और लाइक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली ओल्ड और लाइक जेन वन पॉडकास्टर्स इन इंडिया लाइक कान मस्ती करके उनका पॉडकास्ट था और लाइक अभी रिसेंटली ही स्टार्टेड लाइक विथ दी गोस्ट स्टोरी सेशंस करके उनके यूट्यूब पे लाइक मैंने बहुत हल्का रिसर्च किया था आफ्टर वी हैड लाइक द चैट ऑन दिस टॉपिक की लाइक यू लिसन टू होजेस पॉडकास्ट लाइक एंड ऑल्सो ही केम ऑन लाइक द रणवीर शो विच आई लिसन टू लाइक
जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरी ऑडियंस है उन्हें भी मैं रेकमेंड करूँगा, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द रणवीर शो. इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली जस्ट इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड दैट्स वन ऑफ द गेस्ट दैट आई वॉन्ट ऑन माई पॉडकास्ट इज रणवीर एंड लाइक होजे ऑल्सो. लाइक होजे इज एक्सट्रीमली लाइक क्या बोलते हैं, जस्ट ही हैज़ लाइक वेरी वेरी डिफरेंट साइड्स टू हिम. ही इज लाइक अ वेरी कॉमेडिक पर्सन, ही क्रैक्स जोक्स, बट एट द सेम टाइम ही कैन लाइक जस्ट स्केयर द शिट आउट ऑफ यू. वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइक. एंड ऑल्सो लाइक वो ऑकल्ट पे वापस आने का, लाइक बॉलीवुड या फिर जो मूवीज़ है उन्होंने गोस्ट का परसेप्शन बहुत ज़्यादा ही टैम्पर कर दिया है. आई फील लाइक वी जस्ट इमेजिन गोस्ट टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लाइक जस्ट बैड नेगेटिव इमेज है हमारी बहुत ज़्यादा गोस्ट के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में. बट लाइक विद द रिसर्च दैट आई हैव डन एंड लाइक जो जो हाईवे गोस्ट वाला पॉडकास्ट भी था, लाइक उसके लिए भी मैंने 7 या 8 दिन की रिसर्च की थी जस्ट टू मेक श्योर कि लाइक आई एम पुटिंग फॉरवर्ड दी राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड लाइक ये घोस्ट की इंफॉर्मेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं रहती. यू नीड टू रिलाई ऑन लाइक सम ट्रेचरी सोर्सेज टू बी मोर एग्जैक्ट. एंड लाइक लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो क्या बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो गेट टैम्पर्ड. ये एक बुरी बात है, लाइक पीपल आर नॉट समटाइम्स लाइक ऑनेस्ट, दे मे बी मैन्यूपुलेटेड और जस्ट देयर माइंड इज फिडलिंग विद देम. लाइक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई फील लाइक इट्स मैन्यूपुलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट गोस्ट दैट वी हैव. लाइक फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वी नीड टू सर्च लॉट डीपर, एंड फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यू कैनॉट गेट इट फ्रॉम वन सोर्स, यू नीड टू गेट इट फ्रॉम लाइक 5 सोर्सेज एंड लाइक देन रिलाई कि लाइक ओके अभी ये 5 का है तो लाइक दिस कैन बी सम कमेंडेबल, एंड देन सी कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है. तो डू यू बिलीव इन घोस्ट? ऐसा मतलब तुझे क्या लगता है इस पे कि यू नो कि ऐसा ही जैसे मैंने बोला वो मूवी स्कैंड और जैसे कंसेप्ट क्रिएट किया है उन्होंने, तुझे लगता है कि ये ट्रू है? गोस्ट आर डेफिनेटली देयर क्योंकि लाइक एकदम साइंटिफिक वे में अगर बताऊँ तो लाइक आइंस्टाइन का लाइक लॉ है, आइंस्टाइन का है या न्यूटन का आई कैन नॉट टेल. आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने साइंस छोड़ दिया है 1 साल हो गया अभी, लाइक नियरली 1 साल नहीं लाइक बट 7 8 मंथ्स हैव गॉन बाय. आई हैव जस्ट नॉट टच्ड साइंस. दी रूल वॉज लाइक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म, इट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. एंड लाइक वही हमारे एग्जिस्टेंस की भी, लिविंग फैक्टर्स की भी एक कॉन्सेप्ट हो सकती है कि लाइक वी एक्चुअली डोंट डाई, वी जस्ट चेंज आर फॉर्म्स. एंड लाइक जो लोग वो फॉर्म्स चेंज नहीं कर पाते, दी पीपल हु आर इन एगनी एंड लाइक जस्ट हु आर लाइक अनसेटिस्फाइड एंड या फिर जस्ट क्या बोलते हैं, दे गेट नेगेटिवली प्रोनाउंस्ड समटाइम्स. सो लाइक वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, बट देर आर पॉजिटिव गोस्ट्स टू, लाइक दोज आर जस्ट लाइक दे द गोस्ट्स हैव जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि लाइक ओके वी आर जस्ट स्टक नाउ एंड लाइक इट कैन बी अचीव थ्रू सेटिस्फैक्शन. या फिर लाइक कभी कभी रहता है लाइक देर आर सर्टन प्रैक्टिसेस विच नीड टू बी डन आफ्टर अ पर्सन डिमाइस एंड लाइक वो नहीं होती है स्टिल, लाइक द पर्सन कैन हिज सोल कैन सफर, लाइक वो भी एक बात है. ये सब के बारे में तुझे तुझे साइकोलॉजी में करियर करना है, नॉलेज पे हम लोग ने बात ही थी इतना डिटेल में नहीं, बट फिर भी तुझे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या लगता है ये सब के बारे में? ओवरऑल ही घोस्ट या गॉड या ओवरऑल ये सब पे आई नो कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट फिर भी व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक इट्स जस्ट लाइक मेड फॉर पीपल्स अटेंशन एक जगह पर रहे, पीपल कैन ट्रस्ट, पीपल कैन हैव फेथ इन वन पर्सन और वन एंटिटी और जस्ट दैट एनर्जी दे लाइक ट्रस्ट एंड कम्प्लीटली हैव फेथ इन, लाइक दैट्स गॉड. एंड लाइक जो भी अलग अलग बातें लाइक गॉड के साथ एसोसिएट होती है, जो सर्टन प्रैक्टिस रहती है या फिर सर्टन मंत्रास रहते हैं एंड लाइक सर्टन चैंटिंग्स रहती है, दोज आर लाइक जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर मेड फॉर लाइक अदर डेवलपमेंट्स और ह्यूमन नीड्स. लाइक जो चैंटिंग्स है, लाइक अगर साइंटिफिकली देखें जो चैंटिंग्स है उसकी वजह से रूम की वाइब्रेशंस चेंज होती है. लाइक इफ इफ यू हैव लाइक नोटिस लाइक एनी टाइम यू डू चैंटिंग या फिर लाइक पूजा कराते हैं हम लोग घर में, देख
लाइक यज्ञ वगैरह करा के यू चेंज दी वाइब्रेशंस ऑफ दैट प्लेस एंड इट्स प्रूवन साइंटिफिकली ऑल्सो. देन लाइक मेडिटेशन भी प्रमोट करते हैं लाइक बहुत सारे रिलीजन्स. दे प्रमोट ध्यान, दे प्रमोट कॉन्सेंट्रेशन, दे प्रमोट एकम. लाइक दे एकम इज लाइक जस्ट बींग वन विद द गॉड थ्रू डिफरेंट. देर आर डिफरेंट रूट्स टू बींग वन विद गॉड. लाइक यू कैन डू पूजा, यू कैन लाइक डू मंत्र जाप, और लाइक यू कैन जस्ट बिलीव इन दैट गॉड एंड लाइक जस्ट बी थैंकफुल, बी हम्बल टूवर्ड्स दैट गॉड एंड लाइक यू विल गेट टू दैट गॉड. लाइक बी एकम, यू विल अचीव सेल्वेशन इन दैट वे. एंड लाइक गोस्ट्स का अगर देखे तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. लाइक गोस्ट अगर हम स्केरी पार्ट से देखें कि लाइक जो तूने बोला कि लाइक जैसे मूवीज ने हमारे पर्सपेक्टिव्स बनाए कि लाइक घोस्ट्स आर ऑलवेज नेगेटिव और लाइक डरावने रहते हैं, इट्स ऑल लाइक ड्यू टू द हार्मोनल लेवल्स ऑफ आर बॉडी. जैसे कि एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो तुम्हें फाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशंस में तुम्हारी बॉडी इन्फ्यूज करती है ब्लड के अंदर, वो एक हार्मोन को. तो लाइक वो भी एक है तुम्हारे हार्मोनल लेवल्स. एंड लाइक गोस्ट एक कॉन्सेप्ट कभी ना कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि लाइक हमें सिर्फ सतर्क करने के लिए समहाउ बनाए गए, जस्ट टू लाइक टेल अस के लिए कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, बींग एसोसिएटेड, बींग रिलेटेड एंड जस्ट लाइक कंसीविंग थिंग्स इन लाइक अ ह्यूमन फॉर्म. इट्स जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इट, लाइक गॉड, लेट इट बी लाइक गोस्ट, स्पिरिट्स वगैरह, लाइक जिनकी बातें होती है ये. राइट. ओके, सो ये सब कुछ लाइक यू नो साइकोलॉजी या घोस्ट गॉड ये सब साइड में छोड़ के तेरे ओवरऑल पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? इट्स जस्ट लाइक अभी थोड़ा जस्ट लाइक यू नो इट, बट लाइक या लाइक मुझे तो पता ही है, बट तू तेरे लाइक यू नो तू बहुत टाइम के बाद वैसे भी कर रहा है ऐसा, तो तेरे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए ना. या ऑडियंस, भाई ऑडियंस माय बाप है. या ऑडियंस मेरे जिंदगी में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही, नई नई चीज़ें हो रही. मेरा कॉलेज शुरू हो गया है, मेरा एडिटिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, और लाइक नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए नए सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, नए नए ऑडियंस आ रही है इस पॉडकास्ट के ऊपर, तो वो एक अच्छी बात है. मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जो नए नए बन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, वो भी एक ऑडियंस बनेंगे. मोस्ट प्रॉबली दे विल ऑल्सो कम आउट एज गेस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट. लाइक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई एम वेरी वेरी आई वॉन्ट टू बिलीव कि लाइक दे विल कम एज गेस्ट ऑल्सो. और लाइक जो भी सुन रहे हो तुम, जो ओजी ऑडियंस है इस पॉडकास्ट की, मेरे स्कूल फ्रेंड्स या फिर लाइक जो भी ओजी ऑडियंस है जो तुम एकदम पहले से सुनते आ रहे हो, लाइक वो भी गेस्ट के लिए तुम आ सकते हो. प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज करो, डीएम करो इंस्टा पे, वी कैन टॉक अबाउट गेटिंग यू ऑन एज अ गेस्ट. और लाइक बाकी तो इट्स जस्ट गोइंग लाइक ट्रैवलिंग, स्टडीज, नोट्स निकालो, लाइक थोड़ा सा टाइम मिला तो एडिट करो, खाना खाओ, सो जाओ, लाइक वही है मेरा. तेरा क्या चल रहा है अभी? मेरा भी वही सेम, लाइक तुझे तो पता ही ऑब्वियसली, बट वो है कि लाइक अभी थोड़ा कॉलेज के साथ भी लाइक यू नो कंफर्टेबल हो गई हूँ. पहले स्टार्टिंग में वैसे कि फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे या यू नो एकदम नया स्टार्ट, लाइक अभी बीच में इतना गैप हो गया स्कूल के बाद कि मुझे तो आदत भी नहीं थी एक जगह पे बैठ के इतना कॉन्सेंट्रेट करने का एंड ऑल. और ऊपर से लाइक यू नो वही कि इतने नए लोग मिलेंगे कैसे इंटरेक्शन होगा या वही सब, बट फिर भी होपफुली लाइक ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ देम, बट थोड़े बहुत तो फ्रेंड्स बन गए मेरे. एंड एज यू सेड कि वही नोट्स एंड ऑल वही सब चालू है और कुछ ऐसा ये नहीं, बट फिर भी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चल रही है लाइफ कॉलेज की वजह से. लाइक वही इम्पोर्टेंट ऐसा वही है ज्यादा कि उधर ही ज्यादा टाइम जाता है, बट एटलीस्ट फ्रेंड्स की वजह से अच्छा लगता है ज्यादा जाने में कॉलेज. ऐसे ही इंटरेस्टिंग, तेरे जैसे ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स मुझे मिलेंगे, ये मेरी प्रार्थना है भाई भगवान से, या फिर लाइक जो भी एनर्जी है वो प्लीज़ मुझे ब्लेस करो ऐसे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे कॉन्वर्जेशंस के साथ. क्योंकि ये कॉन्वर्जेशंस, ये पॉडकास्ट का जो रिकॉर्डिंग रहता है, इट्स लाइक वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर माई वीक या फिर लाइक फॉर माई दैट स्पेसिफिक डे, कि लाइक वाओ आई डिड
कंटेंट, लाइक मैंने कंटेंट ऐसा बनाया, आई टॉक विद अ फ्रेंड एंड लाइक ऐसे, मतलब जो टॉपिक्स हम नॉर्मली बात करते हैं, बट लाइक वी कैन जस्ट रिकॉर्ड देम एंड लाइक एक ऑडियंस, एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस है जो इसे सुनने में भी इंटरेस्टेड है एंड लाइक दे कैन पिक आउट थिंग्स फ्रॉम इट्स इट्स वेरी वेरी गुड टू लाइक जस्ट एक्सपीरियंस लाइक एज अ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर ऑन यूट्यूब एंड लाइक जो भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है पॉडकास्ट उस पर. राइट. अभी तुझे तो पता ही, अभी ये अभी भी बात करें मुझे इतना कॉन्शियस फील हो रहा था, बट अभी काइंड ऑफ मैं इतना यूज्ड टू हो गई कि अभी कंफर्टेबल फील हो रहा है. आई कैन से व्हाट एवर आई वॉन्ट, और मेरे ओपिनियन ऐसा फॉर्मली मैं बता सकती हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है. एंड ऑल्सो आई एम ग्लैड कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि यू नो कि मैंने अभी तक ये सब इतने लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, एक्सेप्ट तेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स दो तीन ऐसा. बट फील्स गुड कि एटलीस्ट अभी मैं बोल पा रही हूँ ये सब, और होपफुली तुझे और मुझे भी दोनों को फ्रेंड्स मिल जाए, और कॉलेज में वगैरह भी, जिनके साथ हम लोग ऐसे ही शेयर कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं ये सब टॉपिक्स पे. या ऐसे ही बिलियन एपिसोड्स के लिए तू इस पॉडकास्ट में वापस आए, ये मेरी इच्छा है. और लाइक नेक्स्ट टाइम हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लाइक इस पॉडकास्ट में ही आई फील लाइक वी टॉक लाइक जस्ट अ लॉन्ग प्लेथोरा ऑफ टॉपिक्स. लाइक आई फील एक दो टॉपिक्स अभी रह गए, जैसे वो ईटी मूवी का था, फॉर दैट लाइक यू नीड टू कम बैक अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट, द ऑडियंस ऑल्सो एंड लाइक यू सानिका एज लाइक अ या गेस्ट अरे लाइक. श्योर, मतलब हम लोग और भी टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं अभी. थोड़ा ये तो अभी स्टार्टिंग का था, हम लोग ने जितना डिस्कस किया अभी तक उसके ऊपर से था. मे बी हम लोग को बाद में और कुछ मिल जाएगा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक. We still like haven't talked about a million topics. Like there are still like a lot of topics that are still unexplored on this podcast. Like जैसे तेरा सॉन्ग टेस्ट अभी तक मुझे पता नहीं चला है, तेरा लाइक सिनेमाटोग्राफी का टेक्निकल साइड से नहीं नहीं पता है. तो लाइक ऐसे टॉपिक्स के लिए तू वापस आना ही पड़ेगा तेरे को ये पॉडकास्ट के ऊपर एंड लाइक अरे सुनने के बाद. ऑब्वियसली. देखते हैं भाई, अभी ये एपिसोड आई फर्स्ट हैव टू एडिट इट और लाइक जो भी अभी बचे हुए एपिसोड्स हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार ऑडियंस, तुम लोग ये बहुत लेट सुन रहे होगे. लाइक अभी इसके इस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के टाइम पे आई एम एडिटिंग दी प्रियांशी वाला पॉडकास्ट, जस्ट फॉर गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. आई एम एट दी हाफ ऑफ दी प्रियांशी वाला पॉडकास्ट, तो लाइक जब वो पॉडकास्ट आएगा उसके बाद से लाइक आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट सम नोटिसेस फॉर दिस ऑडियंस. मेरा कॉलेज शुरू हो चुका है, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट, ओके. मेरा कॉलेज शुरू हो चुका है तो शायद से जो कंसिस्टेंसी है इस पॉडकास्ट की वो थोड़ी सी कम हो जाए, बट आई विल वर्क बैक टू लाइक गेट इट इन टू रेगुलर, लाइक हर 2 दिन में, हर 1 दिन में, लाइक आई विल ट्राई टू पोस्ट अ पॉडकास्ट लाइक एन एपिसोड, या फिर लाइक मोस्टली वीक में एक तो आएगा ही. अभी लाइक जब ये प्रियांशी वाला लाइक सेटल हो जाएगा, व्हेन आई लाइक फाइंड क्या बोलते हैं एनर्जी एंड टाइम की, लाइक इतना टाइम एंड इतना एनर्जी लगता है मुझे ये पॉडकास्ट बनाने में, तो लाइक व्हेन आई विल जस्ट सॉर्ट आउट विद दी कॉलेज टाइमिंग्स ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड लाइक जस्ट तुम लोग का सपोर्ट मिलता रहे, यही एक इच्छा है. ऐसे सानिका जैसे गेस्ट आते रहे इस पॉडकास्ट के ऊपर एंड लाइक जस्ट क्या बोलते हैं, ये बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहता है मेरे लिए. बस लाइक जस्ट थैंक यू टू ऑल दी पीपल एंड थैंक यू सानिका, तू इस पॉडकास्ट पे आई थी. ऑल्सो लाइक तू एक कुछ एंडिंग नोट देना चाहेगी इस पॉडकास्ट को, एक ऐसा मस्त क्या बोलते हैं गुड बाय टाइप ऑफ मैसेज, बट विथ लाइक मच मोर काइंड ऑफ रीकैप ऑफ दिस पॉडकास्ट. मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा ये सब टॉपिक्स पे डिस्कस करके. हृदय से तो मैंने किया ही था, बट उसके आप सबसे भी, और उसके भी मुझे हम लोग ने जो ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया था वो भी कुछ ओपिनियंस या ऐसा सब, उसके थॉट्स ये सब पता चला मुझे. ओवरऑल हमने मूवीज के बारे में, साइकोलॉजी, गॉड, घोस्ट, ऐसा सब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया आज. एंड होप सो जो हमारे बचे हुए कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, होपफुली आगे करेंगे उस वही ये अगेन वैसा मैं आऊँ गेस्ट एज अ गेस्ट ये पॉडकास्ट पे. आई होप सो. तो वही कि तभी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें मिले. एंड थैंक यू सो मच रिदेश, ऑल्सो आप सबको भी सुनने के लिए हम लोग का ऐसा
हम लोग के जो इतने टॉपिक्स है जिसपे हम लोग ने रिसर्च किया है या बात किया है इतना, आपको भी कुछ सजेशंस मिले ही होंगे ऑब्वियसली मूवीज का एंड ऑल, तो वो देखिए प्लीज. एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस कि इतना हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो ये सब. सो या दैट्स इट. एक्सट्रीमली लाइक आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि लाइक यू मेड टाइम फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एपिसोड लाइक इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. लाइक तुझे टाइमिंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बट लाइक यू टुक आउट द टाइम दैट्स नीडेड फॉर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड. लाइक बैठ के अभी हमने लाइक रिकॉर्ड किया एंड लाइक आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि ये यू कैन पुट फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ लाइक अ स्मॉल रीकैप बट विथ लाइक ऑडियंस को तूने जस्ट जैसे मेरी मन की बात भी बता दी साइड बाय साइड. दैट वाज वेरी नाइस. बाकी लाइक हमारे सारे सोशल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके हमें फॉलो करो, डीएम करो और लाइक सजेशंस बताओ. तेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट भी है ना सानी का? हाँ हाँ है, मैं शेयर करती हूँ तुझे. या वो भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, देखो सानिका ने भी अभी बताया, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसकी प्लेलिस्ट सुनो. बाकी लाइक अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पे अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने परिवार मित्रों के साथ इसे शेयर करो. अगर आप किसी पॉडकास्ट होस्टिंग ऐप के ऊपर इसे सुन रहे हो जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट या फिर गाना, तो हमारे इस पॉडकास्ट को अच्छी रेटिंग देना मत भूलना. हमें सिर्फ 5 सितारे ही चाहिए क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी रोशनाई कर देंगे वो 5 सितारों से. बाकी लाइक तुम्हें सारी चीज़ें बता दिया, तुम लोग को यार सब मालूम है, बस लाइक कमेंट करना मत भूलो. कमेंट एक चीज़ है जो तुम नहीं कर रहे हो, जस्ट गिव अस अ नाइस कमेंट एंड लाइक स्टे हैप्पी. इस पॉडकास्ट को सुनते रहो, नए नए एपिसोड आते रहेंगे, नए नए गेस्ट आते रहेंगे, पुराने पुराने गेस्ट नए नए अवतारों में आते रहेंगे, मैं नए अवतारों में आता रहूँगा. एंड लाइक जस्ट बी अ गुड पर्सन, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट द अदर पीपल अराउंड यू एंड लाइक स्प्रेड ह्यूमैनिटी एज मच एज पॉसिबल. दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड लाइक थैंक यू. बाय बाय, सी यू सून.